लॉकडाउन के दौरान जिन गरीब वर्ग के लोगों की रोजी रोटी लगभग समाप्त हो चुकी है, उन्हें राहत प्रदान करने केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार हर स्तर पर प्रयास करने में जुटी हुई है। जहां राज्य शासन द्वारा गरीब वर्ग के हर व्यक्ति तक राशन पहुंचाने का प्रयास कर रही है, वहीं केंद्र सरकार द्वारा कई सुविधाओं के साथ जनधन योजना खातों में 500 रुपए की राशि नगद जमा की जा रही है, ताकि यह लोग राशन के अलावा भी अपनी अन्य जरूरतों की दूसरी चीजें ले सके। परंतु इन लोगों को यहाँ बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से जनधन योजना के जो खाते हैं वे बैंक की औपचारिकता पूरी करने या लेन देन ना करने के कारण लॉक कर दिए गए हैं, जिनके कारण इन लाभार्थियों को केंद्र शासन की इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और यह अपने पैसों को बैंक से निकाल नहीं पा रहे हैं। बैंक प्रबंधन और शासन प्रशासन इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण इन गरीब लोगों को इस बुरे समय में अत्यंत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ नियम का पालन नहीं हो पाने के कारण खाते बंद हो चुके हैं, जिसे हमारे कार्यकर्ता मिलकर और जनधन योजनाओं के हितग्राही से मिलकर उस कमी को पूरा किया जाएगा। अधिकारी से बात करके उस खाते को पुनः चालू करवाया जाएगा, जिससे गरीब आदमी को उसका लाभ मिल सके। जी, मैं बैंक गई थी तो बैंक में जनधन बीमा वाला खाता में पैसा डाले हैं, सरकार बोल रहे थे, तो उस वो खाता बंद हो गया है बोले, तो पैसा मेरे को नहीं मिला। नहीं, हमें पता चला कि सरकार हमारे खाते में पैसे डाली है, तो हम गए खाता लेके अपने बैंक, तब वहाँ हमारा खाता बंद हो चुका है। जनता टाइम्स न्यूज के लिए सख्ती से राज शर्मा की रिपोर्ट।